आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हम हैं आपको लेकर मुंबई गोरेगांव स्टेशन है और यहाँ से हम आपको जुहू चौपाटी जल्दी से जल्दी आप कैसे पहुँच सकते हैं आज ये सारी जानकारी इस वीडियो में बता रहे हैं आपके लिए। और हम हैं ये मुंबई गोरेगांव स्टेशन, गोरेगांव से प्लेटफार्म नंबर 1 से हमने ट्रेन पकड़ी और हम आपको लेकर जा रहे हैं जुहू चौपाटी। दोस्तों मुंबई में जल्दी से जल्दी अगर आपको जुहू चौपाटी पहुंचना है तो ये लोकल ट्रेन का टिकट रहेगा सांता क्रूज का 5 रुपये का और उसके बाद 5 रुपये में आप पहुंच जाएंगे जुहू चौपाटी बस के माध्यम से। तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा और इतनी जल्दी आप जुहू चौपाटी पहुंच सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी अगर आप गोरेगांव से चलते हैं तो सबसे पहले राम मंदिर आता है, राम मंदिर के बाद में जोगेश्वरी आता है, जोगेश्वरी के बाद में अंधेरी स्टेशन आता है, उसके बाद में विले पार्ले आता है और उसके पश्चात दोस्तों सांता क्रूज स्टेशन आता है जहां पर कि आपको जुहू चौपाटी जाने के लिए उतरना है और वहां से 231 नंबर की बस मिलती है सांता क्रूज वेस्ट से। और अगर आप बोरीवली से आते हैं तो बोरीवली से अगर आप फास्ट ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं तो अंधेरी आपको उतरना पड़ेगा, अंधेरी से स्लो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और उसके बाद में विले पार्ले और सांता क्रूज उतरना पड़ेगा। या फिर आप स्लो ट्रेन से ही बोरीवली से अगर आप आते हैं तो पहले कांदीवली स्टेशन आता है उसके बाद में, चलिए पहले ये हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, ये है राम मंदिर का स्टेशन। हमने ट्रेन 1 और 2 नंबर प्लेटफार्म से जो कि गोरेगांव से बन के चलती है, ये हार्बर लाइन वाली ट्रेन हमने पकड़ ली क्योंकि सभी ट्रेनें हार्बर लाइन हो या को बैंड्रा तक तो सभी ट्रेनें जाती ही हैं। और ये पूरा राम मंदिर का स्टेशन आप ये देख सकते हैं, इसके पश्चात जो है जोगेश्वरी आएगा। तो हम बता रहे थे बोरीवली से अगर आप चलते हैं तो पहले कांदीवली, मलाड, गोरेगांव और राम मंदिर नहीं रुकती है वो ट्रेन जो बोरीवली से आती है, और नहीं कुछ स्लो ट्रेनें जो हैं राम मंदिर भी रुकती है, उसके बाद में जोगेश्वरी, अंधेरी, विले पार्ले एंड देन सांता क्रूज स्टेशन आप उतर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेशन जो है राम मंदिर गया, इसके पश्चात ये है जोगेश्वरी स्टेशन आ चुका है। दोस्तों अगर आप स्ट्रगल करना चाहते हैं मुंबई में तो यहाँ पर उतर कर भी आप जो है आदर्श नगर जा सकते हैं। आदर्श नगर जो है जोगेश्वरी वेस्ट में स्थित है जहाँ पर कि जितने भी स्ट्रगलर आते हैं मुंबई में सभी लोग वहीं पर जाते हैं। और अंधेरी स्टेशन उतरकर भी आप आदर्श नगर पहुँच सकते हैं। ये इसके पश्चात दोस्तों ये जोगेश्वरी का स्टेशन आप ये देख रहे हैं और इसके पश्चात अंधेरी स्टेशन आएगा। अंधेरी स्टेशन जो है स्ट्रगलर का गढ़ माना जाता है और अगर आप अंधेरी स्टेशन पर उतरते हैं तो रहने के लिए आपके लिए पीजी है, पेइंग गेस्ट में भी आप रह सकते हैं। और ये अंधेरी का स्टेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पर रहकर आपको अपने सपनों को साकार करना है। अंधेरी, जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच में आप रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ये सामने भी पूरा ये अंधेरी का ही क्षेत्र है, इसके पश्चात जो है विले पार्ले स्टेशन आएगा। तो इसके पश्चात विले पार्ले, विले पार्ले के बाद में सांता क्रूज स्टेशन आ जाता है। और ये सामने आप देख सकते हैं ये पार्ले की यहाँ पर फैक्ट्री होने के कारण इसका नाम विले पार्ले है स्टेशन का। पार्ले बिस्किट आपने बचपन से बहुत सारे खाए होंगे ना, तो ये पार्ले और इसी के पास में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और ये हम आपको पार्ले, विले पार्ले स्टेशन यहाँ पर लेकर हम आपको पहुँच चुके हैं दोस्तों। इसके पश्चात हमारी डेस्टिनेशन आने वाली है जो कि सांता क्रूज है। सांता क्रूज में उतर कर हम आपको बताते हैं कहाँ से आपको बस पकड़ना है और बहुत ही कम खर्च में आप जुहू तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं और आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। तो चलिए बस अब हम आपको लेकर पहुंचने ही वाले हैं दोस्तों।
ये ट्रेनें क्रॉस होती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी आप किसी जर्नी पर भी जाते हैं, लॉन्ग जर्नी पर। और ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं सांता क्रूज़ स्टेशन। सांता क्रूज़ स्टेशन को आप देख लीजिए और ये हम यहाँ पर उतर रहे हैं दोस्तों। और यहीं से अब हम आपको जुहू चौपाटी लेकर जाएंगे, ये सांता क्रूज़ स्टेशन ये देख सकते हैं आप। और चलिए वेस्ट साइड में हमें जाना है, आप किसी से भी पूछेंगे वेस्ट साइड में ये हम उतर आ गए हैं। देखिए प्लेन भी टेक ऑफ कर रहा है और ये यहाँ से थोड़ा सा ये ब्रिज के नीचे से बस मिलेगी। यहीं से 231 नंबर का स्टॉपेज है, बस है जो कि आपको जुहू चौपाटी तक वो लेकर जाती है और उसका टिकट मात्र 5 रुपये ही आपको लगता है। और यहाँ बस ये यहाँ से जो पिलर आप देख रहे हैं इसके नीचे ही बस स्टैंड है और ये सेकंड पिलर जो आ रहा है यहीं पर बस स्टैंड है और बस स्टैंड से आपको बस का स्टॉपेज है। तो यहाँ से आप 231 नंबर की बस आप जुहू चौपाटी के लिए पकड़ सकते हैं। और ये हमने भी बस पकड़ ली है दोस्तों। और इसके पश्चात ये पूरा सांता क्रूज़ का क्षेत्र आप देख सकते हैं, बीच में जो जो भी जगहें आएंगी वो भी हम आपको बताएंगे किस जगह से होकर जा रही है बसेस। और ये एसवी रोड पूरा आप देख सकते हैं, एसवी रोड के बाद में दोस्तों ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है सांता क्रूज़। SNDT कॉलेज से पहले वुमेंस की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी। इसके पश्चात हम आपको वो भी दिखाते हैं, ये SNDT यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, ये आप ये देख सकते हैं। और यहाँ से ये जुहू तारा रोड स्टार्ट हो जाती है, ये जुहू यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इस जगह को, इस रोड को बोला जाता है जुहू तारा रोड। और ये अब शुरू हो चुका है दोस्तों, ये जुहू चौपाटी, जी हाँ ये जुहू चौपाटी आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको एक फिल्मी कलाकार जो हमारे दिलों की आन बान और शान है इंडस्ट्री की, श्री अमिताभ बच्चन साहब का घर दिखाते हैं। और ये पूरा यहाँ का मनोहर दृश्य आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जुहू चौपाटी का मनोहर दृश्य। और JW मैरियट होटल, ये यहाँ पर वरुण धवन रहते हैं इस गेट के इधर यहीं पर अंदर। और ये इनकी लोकेशन हम बता देते हैं, JW मैरियट होटल के बिल्कुल करीब है जो वरुण धवन रहते हैं। और ये JW मैरियट जुहू का सबसे महंगा और आलीशान होटल दोस्तों, बहुत ही अच्छा, यहाँ पर क्लब्स वगैरह सभी हैं। और ये यहाँ का तुलिप स्टार यहाँ का ये यहीं पर उतरे और इसके जस्ट सामने ही दोस्तों ये जलसा है, ये श्री अमिताभ बच्चन साहब का जो घर है ये जलसा, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन यहाँ पर निवास करते हैं। और देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पर उनके घर को आप, ये जलसा बिल्कुल ये तुलिप स्टार होटल के जस्ट सामने और पास ही में जुहू चौपाटी है दोस्तों। ये जुहू चौपाटी का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप ये देख रहे हैं। और यहाँ पर आकर तो आपको ऐसा महसूस होगा कि देखिए कितना आनंद आ जाता है, क्योंकि हर एक इंसान की ख्वाहिश रहती है कि समुद्र देवता के दर्शन करें। तो यहाँ पर पूरा दिन आकर आप स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं और ये समुद्र के बीच में बहुत ही बड़ा LCD यहाँ पर ये लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं समुद्र की खूबसूरती उससे बढ़ गई है। और यहाँ पर पुलिस सर्चिंग चलता ही रहता है ताकि बाहर से जो भी लोग आए उनको कोई भी परेशानी ना हो। और ये हम आपको यहाँ पर, ये बहुत सारी दुकानें यहाँ पर जुहू चौपाटी पर हैं, तो चलिए आपको पूरा दिखाते हैं कौन कौन सी दुकानें हैं। और ये लाइफ जैकेट को पहन कर ही समुद्र में जाने की अनुमति रहती है, अगर कोई गिर जाए तो इसके माध्यम से आप फ्लोट होते रहते हैं तो आप डूब नहीं सकते हैं, इसे लाइव जैकेट इसलिए कहा जाता है। और ये यहाँ पर ये दुकानें हैं, चलिए दुकानों को भी हम आपको, यहाँ पर पाव भाजी की दुकानें हैं और बहुत काला खट्टा तो बहुत ही फेमस है दोस्तों जुहू चौपाटी का, जब भी आप आएँ पाव भाजी खाएँ और काला खट्टा बिल्कुल ज़रूर खाएँ,
और आइसक्रीम्स भी बहुत तरह के फ्लेवर्स यहाँ पर मिलते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर खेल हैं, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। और चलिए अब ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, ये आप ये देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर, ये गोल्डन कलर में दोस्तों, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता है, जैसे किले के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये पूरा रामाड़ा प्लाजा पाम ग्रोव होटल, और जितनी भी फ्लाइट है दोस्तों मुंबई में, ये जुहू चौपाटी के ऊपर से ही टेक ऑफ की जाती है। हर 2-3 मिनट में यहाँ आप फ्लाइट देखेंगे, मोस्टली टेक ऑफ यहीं से की जाती है, जुहू के ऊपर से जितनी भी फ्लाइट्स हैं मुंबई में, जितनी भी उड़ती हैं ज़्यादातर यहीं से टेक ऑफ की जाती है। ये हमने आपको खूबसूरत जूम करके ये दृश्य दिखाया। और ये चलिए यहाँ पर अंदर दुकानें देखते हैं, आपको किस किस तरह की दुकानें हैं। ये काला खट्टा की दुकानें हैं, आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम्स भी हर तरह की है। और यहाँ पर आकर आप पाव भाजी खा सकते हैं, वड़ा पाव, मुंबई चा वड़ा पाव, तो और ये कुल्फी फालूदा बहुत ही फेमस है दोस्तों मुंबई में। और ये काला खट्टा, कुल्फी फालूदा, पाव भाजी और हर तरह की यहाँ पर ये दुकानें हैं। यहाँ पर आप मुंबई में आएँ तो ये सारी चीज़ों का सेवन अवश्य करें, तो ही तो किसी भी जगह का पता चलता है कि यहाँ का खान पान कैसा है। और ये पूरी दुकानें यहाँ पर जूह चौपाटी पर लगी हुई हैं और सनसेट होने को ही है। चलिए हम आपको नीचे लिए चलते हैं, यहाँ पर ये चटाइयाँ भी बिछाई जाती है ताकि रेत में बैठ के, पूरी रेत लग जाती है नहीं तो चिपक जाती है, तो यहाँ पर बैठकर, चटाई पर बैठकर लोग आराम से, ऐशो आराम से यहाँ पर पाव भाजी खाते हैं। और जो भी आप अपने घर से भी अगर आप खाना लेकर आते हैं तो चटाई किराए पर मिल जाती है, 5 से 10 रुपया वो लोग लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं दोस्तों, आप बनाना राइड करना चाहते हैं, बाइक राइड करना चाहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स में करीबन 5-6 तरह के यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं और उसका 200 रुपीज़ वो लोग चार्जेस लेते हैं पर मेंबर। और ये जैसा हमने बताया कि आपको यहाँ से ज़्यादातर फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ की जाती है। ये खूबसूरत और मनोहर दृश्य फ्लाइट के भी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं दोस्तों, आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद यहाँ पर बैठकर इस जगह का आनंद ले रहे हैं। और ये वाटर स्पोर्ट्स को आप ये देख सकते हैं, ये बाइक राइड पे सवार होकर पायलट साथ में रहता है दोस्तों, और बड़ी ही सेफ्टी बरती जाती है, लाइफ जैकेट पहनाने के बाद ही समुद्र में लेकर जाया जाता है। और ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बड़ी बोट के माध्यम से भी जा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, ये आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये वाटर स्पोर्ट्स को दोस्तों, और बड़ा ही आनंद आ जाता है दोस्तों वाकई ही। और दोस्तों मुंबई का 1 घंटे का वीडियो है, अगर आप उसे देखेंगे तो बहुत ही, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें कि पूरा मुंबई फिल्म सिटी टूर, सभी फिल्म एक्टरों के घर और जितने भी मुंबई में फिल्म स्टूडियो है उनको घूम सकते हैं और पूरी मुंबई का आनंद ले सकते हैं फिल्म एक्टरों के साथ में। तो गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत और जानदार और शानदार वीडियो में आपसे दोस्तों।